प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज परवल ग्रेवी बनाएंगे, इसको कुंद्र भी कहते हैं। ये परवल ग्रेवी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, परवल, टमाटर, चौंक के लिए ऑयल, जीरा, हिंग, कड़ी पत्ता, अदरक, मिर्ची, गरम मसाला पाउडर, बेसन, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, परवल को ऐसा काट लिया है। टमाटर को मिक्सी कर लेंगे। अभी कुकर में ऑयल डाल रही हूँ, परवल डाल रही हूँ, ये थोड़ा ऐसा भून लेंगे। 4-5 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए तेल भी नहीं उठाया है, उसी तेल में जीरा डाल रही हूँ, थोड़ा बेसन डाल रही हूँ। इसको थोड़ा रोज कलर भून लेंगे, मीडियम आंच में ही भूनना है। कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, अदरक, मिर्ची, टमाटो पेस्ट जो बना के रखा था ना, वो भी इसमें डाल रही हूँ। हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे ऐसा। अभी जो भून के रखा था ना परवल, वो भी इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा पानी डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अभी कुकर ढक के 2 विशल लेने से परवल की सब्जी, परवल ग्रेवी रेडी हो जाएगा। देखिए रेडी हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। इसको सर्विंग बाउल में निकाल के गार्निश के लिए धनिया डाल रही हूँ। परवल की ग्रेवी, कुंद्र की ग्रेवी रेडी।